इसी एक्सपोर्ट को बात करते हैं हम आगे की और व्यवस्थाएं जो एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो है अनुज्ञा पत्र व्यवस्थाएं, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। इस प्रकार की व्यवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में अंतर्गत सम्मिलित है। यह एक अनूठी प्रकार की व्यवस्था है। इसमें निर्यातक कंपनी अन्य देश की फर्म को अनुज्ञा पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर विक्रय करने का अधिकार देती है। इसमें विदेशी फर्म को समान उत्पाद, किस्म और ब्रांड का उपयोग करना होता है। इससे विदेशी फर्म को निर्यातक कंपनी के नाम, ख्याति और प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है। लाइसेंस क्या होता है, आप लोग क्या जानते हैं लाइसेंस के बारे में? आपने बस ये देखा होगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जब आप 18 साल के होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको टू व्हीलर चलाने के लिए लाइसेंस मिलती है गवर्नमेंट से। जब आप और बड़े हो जाते हैं तो आपको फोर व्हीलर का लाइसेंस भी मिलता है। तो लाइसेंस यानी कि हमें एक तरह की परमिशन, यानी कि एक तरह का मुझे प्रमाण पत्र कि मैं इस चीज़ का उपयोग कर सकती हूँ। तो एग्जैक्टली वैसे ही अनुज्ञा पत्र जिसे बोलते हैं व्यवस्था निर्यात में भी बहुत सक्सेसफुल है। इसमें निर्यातक कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई होटल खोलना चाहती हूँ, होटल की चेन खोलना चाहती हूँ, जिसमें मेरे पास सब चीज़ें बनाने की फैसिलिटी है, मेरे पास जगह भी है, मेरे पास लेबर भी है, मेरे पास बनाने की टेक्नोलॉजी की ज्ञान भी है, मैं बहुत अच्छा कुछ खोल सकती हूँ अपना काम, लेकिन मैं ब्रांड का नाम नहीं है, मेरे पास ब्रांड का नाम नहीं है, तो मैं वो ब्रांड का नाम किसी विदेशी कंपनी से लाइसेंस ले सकती हूँ। लाइसेंस के लाइसेंस में क्या होगा, उस विदेशी कंपनी को का जो उत्पाद है उसका नाम यूज़ कर सकते हैं, उस उत्पाद का नाम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जितने भी ये देख रहे हैं यहाँ पर, जब आप मार्केट जाते होंगे तो आप शोरूम्स देखते होंगे, बड़े बड़े लिवाइज का शोरूम है और इसका एडिडास का शोरूम है, नाइकी का शोरूम है। तो ये नाइकी, एडिडास, लिवाइज, रिपॉक, ये क्या है, ये एक तरह से लाइसेंस लिया हुआ है हमारे यहाँ पर। आप अंतर देखिएगा, दोनों में अंतर है, लाइसेंस में और शोरूम खोलने में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले संयुक्त साहस में, तीनों चीज़ों में अंतर है। मैंने आपको बताया था कि शोरूम खोल, जैसे मैंने अभी आपको मैकडॉनल्ड का एग्जांपल दिया था, मैकडॉनल्ड के में मैं वो उनका पूरा खाना बनाने से लेके मशीन से लेके उत्पाद से लेके सब कुछ वहाँ से ही आता है, वो शाखा खोलना हो गया। और लाइसेंस लेना यानी कि मैं नाइकी अपनी दुकान पर, नाइकी एक शोरूम है जिसमें नाइकी का भी सामान रख सकती हूँ, मैं एडिडास का भी सामान रख सकती हूँ, मैं रिबॉक का भी जूते रख सकती हूँ और मैं लिवाइस की जीन्स भी रख सकती हूँ। तो एक मल्टी शोरूम में मैं जब ये सामान रखती हूँ तो मुझे इन सामानों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनी से। तो कंपनी को शाखा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी अपने उत्पाद की, अपने ब्रांड का नाम का यूज़ करती है और बदले में कंपनी को प्रतिफल के रूप में हर साल राशि प्राप्त होती है। तो अगर आप शाखा ना खोलना चाहें दूसरी का, दूसरे देश में, तो आप अपना लाइसेंस भी किसी और देश में दूसरे लोगों को, आप अपना एक तरह से लाइसेंस यानी उपयोग करने के लिए, अपना ब्रांड नेम, अपने उत्पाद को बेचने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी जो शैली है, काम करने की शैली है, उसको जो हर कंपनी की एक अलग शैली होती है, उसको हम लाइसेंस के रूप में दे सकते हैं, अनुज्ञा पत्र, जिससे वो लोग उसके बदले में हमको एक प्रतिफल यानी कमीशन जिसे कहते हैं, वो हमको वो पेमेंट करते हैं। तो ये भी एक तरह का मुनाफा है और ये भी एक तरह का निर्यात हो गया। इसके बाद आता है परामर्श सेवाएं यानी कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी यानी अगर मैं किसी भी चीज़ में मेरी महारत हासिल है या मुझे नॉलेज है, जैसे हम कंसल्टेंसी यानी कि अगर मैं बहुत डॉक्टर हूँ, कैंसर की बहुत नामी डॉक्टर हूँ, या मैं गायनोकोलॉजी की बहुत नामी डॉक्टर हूँ, या मैं योगा सिखाती हूँ, या मैं डाइटिशियन हूँ, या मैं वस्त्र उत्पादन की एक मेरे पास अच्छी सी एक ऐसे पेटेंट है मेरे पास डाइंग एंड प्रिंटिंग का, ये जैसे भी टाई एंड डाई है, बाटिक है, ये है, तो ये सब चीज़ें अगर मेरे पास ऐसा कोई अपनी मेरे पास खुद के एज ए इंडिविजुअल मेरे पास कोई ऐसी महारत हासिल है जो मैं अपनी सेवाएं ऑनलाइन दे सकती हूँ, या दूसरी कंपनी के लोग या दूसरे देश के लोग मुझे मुझसे लेना चाहें,
तो ऐसी सेवाओं को देने के लिए भी ये भी निर्यात में आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं भी आ सकती हैं। विकसित देश विकासशील देशों को अपने या आधारभूत उद्योगों को स्थापना के लिए परामर्श सेवाओं का निर्यात करते हैं। जैसे मैं आपको एक और इसका अच्छा उदाहरण दूंगी, आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई सब जगह मेट्रो लग खुली, सरकार ने मेट्रो सर्विसेज चालू करी। मेट्रो के लिए उन्होंने सेवाएं किससे ली? जापानीज टेक्नोलॉजी थी, वही मैंने कहा, जैसे अभी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जापान एक बहुत पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का सबसे उच्चतम उस पर है। तो मेट्रो सर्विसेज शुरू हमारे यहाँ होनी थी, तो उन्होंने वहाँ से परामर्श सेवाएं ली जापान से कि मेट्रो को कैसे चलाया जाता है, मेट्रो की मेट्रो को ऑपरेट कैसे किया जाता है, कैसे उसकी, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे रेलवेज तो है लेकिन हमारे यहाँ मेट्रो सर्विसेज नहीं थी। तो मेट्रो ट्रेन्स को चलाने के लिए जो हमने वहाँ से सीखा, जो उन्होंने यहाँ कर, उनकी पूरी एक टीम यहाँ पर आई, एक साल तक यहाँ रही, उन्होंने इंजन ड्राइवर से लेके टेक्निकल हैंड से लेके पूरा इस्टेब्लिश करके हमको दिया स्टेशन से लेके और पूरा कंट्रोल रूम, तो वो सब सेवाएं क्या कहलाती हैं? परामर्श सेवाएं। इसके बाद आता है तीसरा, तकनीकी तथा प्रबंधकीय जानकारी, यानी टेक्निकल एंड मैनेजरियल नो हाउ। सपोज मैं कोई भी मशीन का से कोई भी माल बना रही हूँ, मैं उत्पादक हूँ, मैं वस्त्रों का मशीन से उत्पादन करती हूँ, मैंने मशीन जापान से खरीदी है, मैंने मशीन सपोज चाइना से बहुत अच्छी मशीन खरीदी है, लेकिन मुझे उसको चलाने की तकनीकी और प्रबंधकीय जानकारी नहीं है, तो भी ऐसे में टेक्निकल नॉलेज जो मैंने अभी मेट्रो का एग्जांपल दिया वो दो इसमें भी आता है कि ऐसी जानकारी को सीखने के लिए हमेशा आयातक कंपनी को क्या करना पड़ता है, आयातक देश को क्या करना पड़ता है, जो निर्यातक देश है उससे ना सिर्फ सामान खरीदता है बल्कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखता है। तो उस तरीका जो वो जो सिखाने का तरीका है या जो जैसे चाहे कैसे भी होता है तरीका सिखाने के लिए लोग भेजे जाते हैं, उस तरीके को सीखना भी एक तरह से आयात, हमारे लिए तो आयात हो गया और जिसने भेजा है उसके लिए वो निर्यात हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ को दूसरे देश में बेचती हूँ और फिर मैं उसको चलाकर भी दिखाती हूँ या सिखाती हूँ या मैं 6 महीने रहकर अपना पूरा उसको ट्रेंड करके आती हूँ, तो वो भी हमारी तरफ से निर्यात है। तो ये 5 निर्यात के अलग अलग तरीके थे जिनसे हम अपने हम निर्यात को कर सकते हैं।